वेलकम टू पवित्र लैपटॉप केयर। इधर देखिए ये PCH क्या हालत है इसका, ये टूट गया है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना इसी में सब कुछ रहेगा। क्यों ये टूट गया है, ये PCH शर्ट कैसे होता है उसके बारे में जानकारी मैं अब देने वाला हूँ विथ स्कीमेटिक। ओके, ये शर्ट होने के वजह से ऐसा हो गया है। डायरेक्ट किधर भी नहीं है, डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन गया। अब देख रहे हैं ना क्या यार इसका हालत, इसका वोल्टेज क्या क्या होता है, इसके साथ क्या क्या जुड़ा रहेगा वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन ये पर्टिकुलर बोर्ड में मैं दे देता हूँ। ठीक है, आइए स्कीमेटिक देख लेंगे। PCH शॉर्ट क्या होता है, ये PCH शॉर्ट कैसे हमको पता चलेगा। अभी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा दिया है ना, उसमें क्या हो गया था, कुछ वोल्टेज अनवांटेड वोल्टेज की वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन का जो बीच का जो पार्ट था ना वो टूट गया था। ओके, अभी देखिए कैसे पता चलेगा PCH, ये जो प्रैक्टिकली आप सोच लिया तो आपको ये पता चलेगा ये जो PCH किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उधर से सोर्स ये होता है PCH और डेस्टिनेशन, नहीं तो सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या क्या होगा उसके बीच में कुछ माल फंक्शनिंग रहेगा तो उसको कहलाएगा शॉर्ट या ओपन। सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, ओपन या शॉर्ट, दोनों केस में ये काम नहीं करेगा, नॉट वर्किंग। ओके, नॉट वर्किंग नहीं तो नो वर्क। ओके, कुछ भी हो इसके बारे में थोड़े डिटेल ही हम डिस्कस करेंगे। PCH क्या होता है, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, सही है ना। ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, आपको रेलवे प्लेटफॉर्म मालूम है ना, वो प्लेटफॉर्म एक स्टेशन है, ये वो स्टेशन से कौन सा जो ट्रेन कितना बजे में आना है और जाना है, कौन सा ट्रेन को इंतज़ार करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम वो स्टेशन पे रहेगा। इधर अगर एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गया तो ये ट्रेन इधर आएगा और इधर का ट्रेन आएगा तो बीच में क्या होता है, एक्सीडेंट होने का संभव ज़्यादा रहता है। इसलिए ये जो स्टेशन रहता है ना, इसका पूरा का पूरा ट्रेन जो एक्सप्रेस हो या पैसेंजर का हो कुछ भी हो, उसका कंट्रोल करने का पूरा वो जो क्या है ना, क्या बोलते हैं, पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम इसमें रहेगा, इस स्टेशन पे रहेगा। ऐसा ही आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड में कंट्रोलिंग सिस्टम इसमें रहेगा। आपका साक हो या नहीं तो सेपरेट PCH हो, कुछ भी हो, ये कंट्रोलिंग सिस्टम किस में रहेगा, ए PCH में रहेगा। PCH आपको मालूम पड़ा ना, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। ओके, अभी ये PCH के बारे में बात किया तो इसका कनेक्टेड डिवाइसेस क्या होता है, कौन सा कनेक्टेड डिवाइस है। अभी मैं बोला ना सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स, कैसे भी वो इधर का इधर शॉर्ट नहीं तो ओपन, ये दोनों केसेस में इशू आया तो, कनेक्टिविटी का इशू आया तो आपका काम नहीं करेगा। ये सिंपल वर्ड है। ओके, आपको मालूम पड़ा था, ये सिंपल, बहुत सिंपल का है। ओके, सेकंड आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो PCH किधर किधर कनेक्टेड है वो आपको इस स्कीमेटिक के द्वारा मैं दिखाता हूँ। देखिए ये इंटेल PCH कंट्रोलर हब, कौन सा है, कैनन लेक हैच है इसका नाम। इसमें लगभग 2000 से 2500 तक पिंस रहेगा इंटरनली, लेकिन पूरा का पूरा काम नहीं करेगा। आपका जो लैपटॉप का डिज़ाइन होता है ना उसके हिसाब से ये पिन कनेक्टेड रहेगा। अभी देखिए लगभग 2500 मैं जो बोला था उसमें आपको लगभग 1000 तक आपको ग्राउंड ही मिलेगा और कुछ 200-300 तक कनेक्शन भी नहीं रहेगा
और कुछ जो बाकी रहता है ना 1000 पिन अप्रॉक्सीमेट, वो कनेक्टेड रहेगा। वो 1000 पिन में क्या होता है ना, एक ही साथ आपको 100 या 200 पिन्स कनेक्टेड रहेगा सब सेपरेट काम करने के लिए, ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। ओके, अभी ये जो सोर्स टू डिस्टिनेशन और डिस्टिनेशन टू सोर्स मैं बोला था ना, सोर्स टू डिस्टिनेशन, सोर्स का मतलब ये हो गया, पीसीएच हो गया, डिस्टिनेशन का मतलब क्या है, इधर इधर देखिए, ये पूरा का पूरा कनेक्टेड डिवाइस जो रहता है ना, पूरा डिस्टिनेशन पाता है, नहीं रहेगा तो बाई डायरेक्शनल है, सोर्स टू डिस्टिनेशन या डिस्टिनेशन टू सोर्स, बोथ वे एक कम्युनिकेशन करेगा, नहीं तो एक ही साइड पे कम्युनिकेशन करेगा। ऐसे केसेस में कौन सा भी इफेक्ट हो या ओपन या शार्ट कुछ भी हो, उस केसेस में आपका पर्टिकुलर डिवाइस काम नहीं करेगा। ओके, अभी देखिए, पीसीएच का सप्लाई पूरा मिल रहा है लेकिन आपका पर्टिकुलर सेक्शन काम नहीं कर रहा, तो सोर्स टू डिस्टिनेशन या डिस्टिनेशन टू सोर्स में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, शॉर्ट या ओपन रहेगा। उस टाइम पे क्या होगा, इसमें बहुत सारा ब्लॉक्स रहता है। ब्लॉक्स का मतलब एक ब्लॉक में LPC काम करेगा, एक ब्लॉक में SPI काम करेगा, और एक ब्लॉक में PCI USB, ऐसा बहुत सारा ब्लॉक्स 20-25 तक ये ब्लॉक्स रहेगा। उसका जो वीडियो है, डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, इधर देखिए साटा का है Gen 3, इधर USB 3 का है, इधर DMI का पाथ है, FDI, DMI, ऐसा सभी जो पाथ रहता है ना, वो पाथ भी इसमें शामिल रहता है। देखिए जो ब्लॉक मैं बोला, ये शॉर्ट दो तरह का होता है, एक ब्लॉक इंडिविजुअल ब्लॉक काम नहीं करेगा, नहीं तो PCH ही काम नहीं करेगा। अगर PCH काम नहीं रहेगा तो ये पूरा का पूरा काम नहीं करेगा। ओके, ये मेन है, मेन पीसेज गया तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ वोल्टेज मिलता ही रहेगा इसमें डिस्टिनेशन पार्ट में। लेकिन सोर्स कौन सा है, PCH है ना, इसमें ये चालू नहीं रहेगा तो इस ये रेडी रहने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ओके, सो अभी देखिए, ये पर्टिकुलर पिन, पर्टिकुलर जो चिप है ना, इसमें कितना पिन रहेगा और इसका कनेक्टिविटी कैसा रहेगा, वो बोर्ड व्यू में हम देख लेंगे। उससे पहले आपको मालूम पड़ा ना, ये PCH कंट्रोल क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, इधर CPU को कंट्रोल कर रहा है, इधर USB को, इधर SPI ROM कौन सा BIOS का, और इधर EC TPM डिवाइसेस। देखिए इसका कम्युनिकेशन जो रहता है ना, उसका नाम LPC और इसका SPI, इसका PCI, ये ध्यान में रख लीजिए, ये SATA, ये DMI, ये सभी सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा इस PCH में। एक एक में आपको DMI नहीं रहेगा तो ये इनबिल्ट रहेगा, क्योंकि CPU और PCH दोनों रहेगा, SOC कहलाता है ना वो, इधर PCH अलग रहता है। ये ऐसा DMI सेपरेट पाथ दिया तो ये सेपरेट PCH देखने को मिलेगा आपको। ओके, आइए जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन जो पॉसिबिलिटीज, अभी तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो जो किया है ना, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, PCH का शॉर्ट कैसे हो सकता है। ये एक बायस पिन नंबर 8, ये ग्राउंड के साथ भी रहेगा तो आपका PCH शॉर्ट है। लेकिन याद में रख लीजिए, जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितना भी कंपोनेंट है ना, उसको निकाल के चेक करना पड़ेगा। निकालने के बाद भी सोर्स पर शॉर्ट रहेगा तो 100% PCH का इशू होता है। इधर शॉर्ट नहीं है लेकिन इधर शॉर्ट रहेगा तो आपका बायस का इश्यू हो सकता है। अगर इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं रहेगा तो अभी तब ये 100% PCH का ही इश्यू हो सकता है, इसको निकालना पड़ेगा पहले। ओके, इस डिवाइस जो है ना, क्योंकि IC ये पिन नंबर 8 ग्राउंड के साथ जुड़ा रहेगा तो भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसका जो सप्लाई रहता है ना, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे ही पिन नंबर 2 वो डाटा पिन, पिन नंबर 5 कुछ रहता है ना, वो डाटा पिन सभी क्लॉक और डेटा सभी PCH के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो भी ग्राउंड के साथ बीप रहेगा तो आपका PCH 100% शॉर्ट है। ओके, ये पहला इंट है। ओके, दूसरा क्या है आपका एम्प। देखिए पहले 0.09 रहेगा DC एम्प में। ओके, अचानक आपको 200 मिली एम्प नहीं तो 300 मिली एम्प तक जाएगा अचानक, उसके बाद ये कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा।
आप पावर बटन ऑफ या ऑन कुछ भी कीजिए, काम नहीं करेगा। ये भी एक हिंट है PCH गया करके, ओके। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। और इधर एम्प स्टार्टिंग में ही आपको 0.042 ऐसा रहेगा। अब किधर भी देख लीजिए, 3.5 वोल्ट सेक्शन या चार्जिंग AC सेक्शन किधर भी आप चेक कीजिए, आपको शॉर्ट नहीं मिलेगा। कौन सा भी MOSFET शॉर्ट नहीं मिलेगा आपको उस टाइम पे भी। आप कहलाता है, आप इजीली बोल सकते हैं PCH शॉर्ट, ओके। ये एक हिंट है। और तीसरा और कैसा, ये बायस हो गया। हाँ, नेक्स्ट RTC VCC। देखिए, ये सेक्शन में आपको 3.3 वोल्टेज मिलता ही रहेगा, फिर भी इस सेक्शन में इस RTC का जो ब्लॉक रहेगा ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको क्या होगा, इधर पहले 0.1 वोल्ट्स, बाद में 2 वोल्ट्स, 2.5 वोल्ट्स, ऐसा वेरिएशन होता ही रहता है। बाद में आपको ये 3.3 वोल्ट्स कॉन्सेप्ट मिल सकता है। उस सेक्शन में क्या होता है ना, RTC सेक्शन जो ब्लॉक रहेगा ना, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। इसके वजह से भी आपका बोर्ड शॉर्ट, नहीं तो ओपन रहेगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं रहेगा। इधर आपको 3.3 वोल्टेज मिलेगा लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिलेगा, ओके। तब भी आप बोल सकते हैं आपका PCH शॉर्ट है, ओके। और एक हिंट है, फोर्थ वाला, RTC VCC 0 वोल्ट्स, ये कम्प्लीटली ग्राउंड के साथ बीप रहता देता ही रहता है आपका। ये जो RTC VCC का डायोड ओपन करने के बाद भी आपको ये पर्टिकुलर पाथ में जो PCH के साथ जो रहता है ना, वो कनेक्टिविटी में ग्राउंड रहेगा तो आपका 100% PCH गया होगा। ये एक हिंट है। और एक हिंट है, देखिए RTC के रिलेटेड ये होगा, ये आपको बोर्ड ऑन होगा, ओके, डिस्प्ले भी आएगा, आप काम भी कर लेते हैं, ओके। एक दिन पूरा का पूरा काम कर लेते हैं, नहीं तो 10 दिन भी करते हैं कंटिन्यूस ऑन में बिना ऑफ करने, ओके। एक बार आप शट डाउन किया तो, शट डाउन करने के बाद फिर से ऑन किया तो ये ऑन नहीं होता, ये ऑन नहीं होता। एक बार आप कनेक्ट करके विदाउट बैटरी और विदाउट जो सीमा सेल, आपको आपका बोर्ड ऑन होगा। अब जो डायनेस करते रहते हैं ना उस समय, बाद में शट डाउन होने के बाद कुछ भी काम नहीं करेगा, आपका DC मशीन में कांस्टेंट ही रहेगा ये, या कुछ भी हो। और पावर ऑन एंड ऑफ जो रहता है ना, जो हाई लो हाई, हाई लो हाई, ये कॉन्सेप्ट चलता ही रहेगा, लेकिन बोर्ड ऑन नहीं होगा। ये केसेस में भी आपका PCH शॉर्ट, ओके। और कुछ पॉसिबिलिटीज, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक एक लोग एक एक वीडियो में, नहीं तो एक एक इंस्टीट्यूट में, उनके ही तरीक़ा से एक एक हिंट दे दिया है, लेकिन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ ये कैसे शॉर्ट, कैसे फाइंड आउट करना है। आइए बोर्ड व्यू देख लेंगे, इसका कैसा रहेगा बोर्ड व्यू, दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। इसमें देखिए, ये बोर्ड व्यू है, उल्टा है आपको बॉटम में आए तो इधर, देखिए ये लीजन का है, लिनोवो लीजन, ये CPU पार्ट, ये ग्राफिक्स कार्ड का पार्ट और ये PCH का पार्ट। देखिए PCH कितना सारा पिन्स है, कितना सारा है, इधर ये देख सकते हैं 2300 तक ये पिन्स रहेगा आपको, लेकिन मैं क्या बोला, पूरा का पूरा कनेक्टेड नहीं रहेगा। देखिए कितना सारा पिन्स इसमें कनेक्टेड नहीं है, और मैं सिंपल भाषा में बोल देता हूँ, जो जो इधर कनेक्टिविटी शो कर रहा है ना, वो कनेक्टिविटी इसके साथ जो जो आप देख रहे हैं ना उसके साथ रहेगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स, ये सिंपल भाषा है, ओके। ये कुछ इशू आया तो आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा, नहीं तो पर्टिकुलर सेक्शन काम नहीं करेगा, इतना ही आइडेंटिफाई करने का ये हिंट है, ओके। अभी देखिए 3 वोल्ट SPI, मैं बोला बायस का,
एसपीआई का पाथ कौन सा है? देखिए ये कौन सा है, 16 MB रोम बायस चिप है ये, ओके। इसके साथ एसपीआई लिखा है ना, एसपीआई के पाथ थ्रू ये कम्युनिकेशन करेगा। इधर पिन नंबर 8 0 रहेगा था, आपका पीसीएच खराब है। ऐसे ही वीसीसी, ये पीएचवाई, पीएलएल वोल्टेजेस, डीएसडब्ल्यू, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी नो डिस्प्ले के केस में आ जाएगा, लेकिन ये डीएसडब्ल्यू में बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा। ये वोल्टेज 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स का कुछ मामला रहेगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन आने के बाद मैं आपको डीपली बता सकता हूँ, ओके। एसडीए हाई डेफिनेशन ऑडियो, रैम अभी देखिए आपका ऑडियो नहीं आने का वजह ये पीसीएच भी हो सकता है, एक एक टाइम आपको आवाज़ मिलेगा, एक एक टाइम नहीं मिलेगा, उसके साथ जो उस टाइम पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं पीसीएच का इशू होगा। लेकिन मैं बोला था ना, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो जो कंपोनेंट्स है उसको निकाल के चेक करना पड़ेगा। और पीएचवाई जो ये क्या है ना, बायस का ही कुछ पार्ट है पीएचवाई का, ओके। पीपीए, पीपीबीसी, ये सभी 1 वोल्ट्स आसपास रहेगा आपको, ओके। ये पूरा का पूरा नेगलेक्ट नहीं करना है, ये सभी नो डिस्प्ले केस में आपको क्या है, नो डिस्प्ले केस में आपको मिल सकता है। ये डीसी एम्प आपको 200-300 तक जाता है, इसका वोल्टेज जो आप देने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, ऐसा होता है। प्राइम वीसीसी प्राइम नहीं रहे तो पीसीएच आन ही नहीं होगा, ओके। ये प्राइमरी वोल्टेजेस है। आरटीसी, अभी मैं बोला था ना आरटीसी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। उसके बाद क्लाक, पीसीआई क्लाक, पीसीआई का मतलब वो बैटरी लो, देखिए बैटरी लो का मतलब वो जो बैटरी का इंडिकेशन देता ही रहता है ना, वो भी महत्वपूर्ण क्या है ये सीन इसमें देखने के लिए मिलेगा। इधर क्लाक पीसीआई का, एनवीआई, और देखिए डीपी पीबी बहुत सारा है, डीएमआई बोला था ना, कौन सा ये डीएमआई, ओके। और पूरा का पूरा ग्राउंड, बहुत सारा ग्राउंड, और लास्ट में क्या होता है देखिए, नो रिबूट, जीपीपी, पीएम डाउन, ये पावर मैनेजमेंट का है, सीपीयू पावर गुड, ओके। लैन का सेक्शन, केबीआरएसटी किधर कनेक्ट रहता है, आईओ के साथ, पीसीएच, ईडीपी, पावर ओके, टीआरएमआरएसटी, जीपीयू, एसडीए, आरएसएमआरएसटी, आरटीसीआरएसटी, देखिए आरएसएमआरएसटी नहीं आ रहा तो ये पीसीएच का इशू होता है, आपका एसएलपी, एसवाई, एस0 वो सेक्शन भी प्रॉब्लम रहेगा तो को हो सकता है ये पीसीएच का इशू। देखिए आरटीसी क्रिस्टल इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, क्रिस्टल भी अच्छा रहेगा लेकिन ये सिग्नल नहीं आएगा, ये भी डायरेक्ट लाइन पे आ सकता है, वो इशू भी आपका एक पीसीएच का भी हो सकता है, ओके। टीडीओ, क्लॉक, ट्रिगर, इधर देखिए एसएलपी, एस3, एस4, एस5, ये स्टार्टिंग में ये सस्पेंड वोल्टेज देना है ना पीसीएच, उस समय भी आपको 0 आ रहा है तो आपका बोर्ड ऑन नहीं हो सकता है, लेकिन आपका जो वी इन सेक्शन रहता है ना वो सिर्फ काम करेगा। रिक्वेस्ट, ये सभी रैम सेक्शन का रिक्वेस्ट होता है, एसएलपी स्लीप वाला, एस0 देखिए स्टेज सस्पेंड वाला, अलर्ट, एसएमबी सिस्टम मैनेजमेंट का, ये सभी क्लॉक एंड डेटा, एसएसडी डिटेक्ट, देखिए आपका एक एक टाइम पे एसएसडी डिटेक्ट नहीं होगा, उस टाइम पे इधर चेक करना पड़ेगा। एसपीआई, एसओ, एसआई अभी बोला था ना मैं, ये सभी इसके साथ कनेक्टेड है, देखिए ये सभी यूएसबी का पाथ है। पीएचवाई सेंस, वीजीए पावर गुड, वो जो ग्राफिक के साथ जो जुड़ा रहता है ना वो सिग्नल है, ये क्रिस्टल, ये फाइनली क्रिस्टल का है। देखिए इतना ही था पीसीएच, बहुत सिंपल है ना, सिर्फ इतना ही, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपका पीसीएच फॉल्ट होता है। किधर, पहले इस पाथ में शॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो ओपन होना चाहिए, उस टाइम पे आप बोल सकते हैं पीसीएच फॉल्टी, ओके। इस वीडियो में इतना ही था, आपको बहुत सारा वीडियो आगे आने वाला है, पूरा का पूरा एडवांस लेवल का भी हो सकता है और बेसिक लेवल का भी हो सकता है, ओके। और कुछ डाउट आया तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट टेलीग्राम कीजिए, नहीं तो व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ओके। पीसीएच साक से भी हो सकता है, वो प्रोसेसर और पीसीएच दोनों जुड़ा हुआ रहता है ना, उस टाइम पे डीएमआई सेक्शन नहीं रहेगा आपको, ओके। ये क्योंकि कंबाइंड रहेगा ना, इसलिए। और कुछ नहीं है स्पेशल इसमें। थैंक यू वेरी मच।